अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ले जी, इंतहाई दो नंबर कॉपी टॉमसन की जो है वोल्टेज प्रोटेक्टर की, वो मार्केट में गर्दिश कर रही है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इनकी दो नंबर ही दिखाऊं और आप लोगों को आगाह करूं कि इस तरह की चीज़ें लेने से परहेज़ करें और लेने से पहले उसे प्रॉपर चेक करें। पहली तो बात यह है कि बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिन्होंने हमारे घर का सारा लोड उठाना होता है, ठीक है जनाब, और सारे मामला देखने होते हैं। लेकिन ये दो नंबर जो हैं वो इंतहाई थकी हुई क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, तो कोशिश करें आप इन चीज़ों से बचें और हमेशा ओरिजिनल चीज़ें लें, स्पेशली इस तरह की जिन्होंने पूरे घर का लोड उठाना था। वो चाहे ब्रेकर हों, चाहे वो डीसी ब्रेकर हों मेन, चाहे वो वोल्टेज प्रोटेक्टर हों, चाहे वो अर्थ लीकेज हों या कुछ भी हों, इन सारी चीज़ें, ये जो मेन चीज़ें हैं, कोशिश करिए हमेशा ओरिजिनल लें। अब ये वोल्टेज प्रोटेक्टर आप देखते हैं टॉमसन की कॉपी है, ठीक है। पहली तो बात ये, ओरिजिनल के बॉक्स जो है वो इस तरह का है ही नहीं है, वो चेंज है बॉक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे अंदर अगर आपको मैं ये वोल्टेज प्रोटेक्टर दिखाऊं, ये देखें, ये चाइना से बनवाते तो वहीं से प्रिंट करवाए हुए हैं इन्होंने और वहाँ से यहाँ पे, और ये चीज़ें पाकिस्तान में भी होती हैं, तो वहाँ से सिंपल ब्रेकर परचेज करते हैं। इस तरह के वोल्टेज प्रोटेक्टर अपनी मर्जी के बनवाते हैं और पाकिस्तान में उनकी ब्रांडिंग करते हैं। अब इसके ऊपर टॉमसन लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जबकि स्क्रीन के ऊपर टॉमसन जो है वो लिखती ही नहीं है, टॉमसन साइड पर लिखा होता है छोटा सा, और इंतहाई मतलब के हल्की क्वालिटी का है। अब इसमें और जो इशू है वो ये है कि आप देखें, ये इसकी यूज़र गाइड है, इसमें सेटिंग जो है वो A1 से शुरू होती है और जाती है जनाब A12 तक, ठीक है, A12 तक सेटिंग जाती है, यहाँ तक A12, ये ऊपर A11 और A12 तक इसकी सेटिंग है जो यूज़र गाइड में लिखी हुई है। अब मैं आपको ये वोल्टेज प्रोटेक्टर ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये अभी काउंटडाउन चल रहा है, इसके बाद ये ऑन होगा, ये ऑन हो चुका होगा। अब इसकी सेटिंग हम देखते हैं कि सेटिंग जो है वो कहाँ तक जाती है। यूज़र गाइड पे आप लोगों ने देखा A12 तक जाता है, अब ये देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A7 के बाद ख़त्म। तो इसकी सेटिंग भी पूरी इंक्लूड नहीं है, दोबारा देखिएगा, A3, A4, A5, A6, A7 और जनाब फाइव। सो इसकी वो पूरी सेटिंग भी मौजूद नहीं है जो ओरिजिनल वाले में होती है। यहाँ पे यूज़र गाइड में उन्होंने जो है वो A12 पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे A7 देखें, अंडर वोल्टेज रिकवरी के बारे में सारी है, और यहाँ पे वो प्रोटेक्टर के ऊपर जो है वो A7 पे आके उन्होंने इसे वो कर दिया, ऑफ कर दिया, मतलब सेटिंग कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो मेन एरर आ रहा था, वैसे तो कोई हल्के लोड पे पूरे घर पे ना लगाना चाहे, हल्के लोड पे लगाना चाहे तो ये ब्रेकर आप हल्के लोड पे लगा सकते हैं, मतलब कोई एक तो चार चीज़ें, ज़्यादा लोड नहीं है, 500-700 वाट का, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का अगर लोड है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं ये, और ज़्यादा पैसे भी आप खर्च ना करना चाहें तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक इशू जो इसमें आया जिसकी वजह से आप नहीं लगा सकते वो ये है, ये एक जगह इंस्टॉल था तो जैसे ही हम लोगों ने आगे से लोड ऑन किया तो इसने 8 एम्पेयर जो है वो शो किए, ठीक है, जबकि एक्चुअल में लो जो एम्पेयर थे, जो लोड था वो हमारा सिर्फ 1.2 एम्पेयर था, जो प्लम मीटर से चेक किया, और मीटर पे शो कर रहा था जो है वो 8 एम्पेयर। तो ये जो वोल्टेज और एम्पेयर का एरर है, इसकी कैलिब्रेशन के लिए सेटिंग जो है वो प्रोटेक्टर के अंदर मौजूद होती है, जैसे दूसरे लोकल प्रोटेक्टर हैं मोरा के, शनाइडर के, और एक वीडियो और मैंने पिछले दिनों अपलोड की थी लोकल प्रोटेक्टर की, उनमें सारी सेटिंग्स मौजूद हैं कैलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस वोल्टेज प्रोटेक्टर में एक तो सेटिंग पूरी नहीं है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जनाब कैलिब्रेशन आप कर ही नहीं सकते। कैलिब्रेशन ना करने का मतलब है कि जो वो शो कर रहा है, जो उसके अंदर पहले से फीड है वो वही रहेगा। सो ये बड़ा मतलब इंतहाई थकी क्वालिटी का, इंतहाई घटिया किस्म का ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो टॉमसन का कॉपी मार्केट में घूम रही है। आप राय मेहरबानी, जब भी प्रोटेक्टर लें, ठीक है, उसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो वहीं पे शॉप पे ही चेक करके फिर आप लें, चाहे लोकल भी लेना हो आपने, कॉपी भी लेनी हो, ताकि किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है, वो कैलिब्रेशन का इशू आ रहा है, वो कोई और आ रहा है, तो आप जो है उसे प्रॉपर उसे सेट कर सकें।
तो ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप लोग जो है वो ख्याल रखेंगे, कोई भी इस तरह की चीज़ आप लोगों ने परचेज़ करनी है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस तरह की चीज़ों से बच सकें और एहतियात करें खरीदते वक्त। इंशाल्लाह नई वीडियो में जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।